मैंने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल 2 तारीख को अंदर जाएगा, ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी भी जाने वाले हैं। पिछले 2 चुनाव से दिल्ली की 7 सीटें जीतती रही बीजेपी के खिलाफ विरोधी खेमे ने जोर तो इस बार भी पूरा लगाया, लेकिन सबसे चुटीला वार किया केजरीवाल ने। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया के चैलेंजर मनोज तिवारी का मशहूर गाना है, इसलिए केजरीवाल ने जब रिंकिया के पापा कहा तो मैसेज सीधा मनोज तिवारी के पास पहुंचा और केजरीवाल के नाम जवाब जारी हो गया। ये क्यों नहीं कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है? रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता? ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की तरफ से प्रचार की धुरी बने केजरीवाल प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल रहे हैं और बीजेपी हर बार इसकी धार स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की तरफ मोड़ देती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं तीसी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथ के लिए ये भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। दिल्ली में 6ठे चरण में यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा वक्त कम है, लेकिन केजरीवाल के आगे चैलेंज डबल है। उन्हें बीजेपी के हमलों के साथ साथ उस पानी संकट से भी निपटना है जो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है। कल जब हमने प्रेस वार्ता में सवाल उठाया था कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी नहीं आ रहा, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। आज आतिशी मार लेना कह रही हैं कि दिल्ली में पानी हरियाणा से नहीं। दिल्ली में लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं, वो तुम्हारे 9 साल का नकारापन है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने अब वो पानी रोकना कम करना शुरू कर दिया है। इतनी घिनौनी सियासत और इसके जरिए दिल्ली की जनता के दिल में नफरत पैदा करने की, तुम्हारी ये वाली साजिश भी नाकाम होगी। इंडिया अलायंस 7-0 से दिल्ली की सातों सीटें जीतेगा। 543 सीटों वाले देश में 7 सीट वाली दिल्ली की लड़ाई देखने में भले ही ज्यादा बड़ी न लगे, लेकिन यहाँ होने वाली हार जीत का मैसेज पूरे देश पर असर डालता है। इसीलिए इंडिया अलायंस हो या बीजेपी, यहाँ न तो कोई कमजोर पड़ना चाहता है न कमजोर दिखना चाहता है।